अब्दुल्ला दान की सोशल एक्टिविटी से वो लोग मार्च कर रहे थे, लेकिन सीमा से पहले उन लोग को डिटेन कर लिया गया उनके 100 के साथ। ये मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में दुकानों पे सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स, उनको तो पकड़ नहीं रहे। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में, खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग, अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं, तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूट कर रहे हो कि भाई आतंकवादी घुस जाएंगे? अरे गैंग हिम्मत है तो गैंगस्टर्स को रोको ना। दिल्ली पुलिस की जिस शक्ति का इस्तेमाल, जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग सोनम वांगचुक को रोकने के लिए कर रहे हैं, वही इस्तेमाल अगर गैंगस्टर्स को रोकने के लिए किया गया होता तो दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी नहीं बनती। आपको सोनम वांगचुक से खतरा है या गैंगस्टर्स से खतरा है? आप सोनम वांगचुक को रोक लेते हैं, गैंगस्टर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। बड़े बड़े इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में जाके गैंगस्टर्स अपना धमाल मचाए हुए हैं, लेकिन आप सोनम वांगचुक को रोक के हीरो बनना चाहते हैं, किस लिए भाई?